हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो वेलनेस 360। वेलनेस की बातें तो हम हर बार करते ही हैं, पर आज हम उनकी वेलनेस की बात करेंगे जो हमें खुशनुमा रखते हैं और हमें सुख देते हैं, और वो हैं हमारे पेट्स। जो यहाँ पर पेट लवर्स हैं और जो पेट्स रखते हैं वो तो जानते ही होंगे कि पेट्स को घर में रखने से हमारे घर का माहौल कितना चेंज हो जाता है, हम कितना स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और आज जो हमारे स्टूडियो में गेस्ट आए हैं वो एक जाने माने वेटरनरी डॉक्टर हैं। वो हमें बताएंगे कि मेंटल वेलनेस और फिजिकल वेलनेस हमारे पेट्स के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है और हम अपने पेट्स का रख रखाव किस तरीके से कर सकते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर आरती शर्मा। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले तो मैं आपका प्रोफाइल ही डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप एक वेटनरी डॉक्टर तो हैं ही, आपने एक एनजीओ भी खोला है जहाँ आप पेट्स का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं लास्ट 3 डेकेड से इस प्रोफेशन में हूँ और हम लोगों ने एक सब जो एनिमल लवर्स हैं ये सबकी नीड था कि ऐसे होमलेस डॉग्स हैं जो जिनको कोई देखता नहीं है, जो हमारे घर के बाहर रहते हैं लेकिन हमारे हमारे घर सराउंडिंग्स की लाइक सिक्योरिटी है, दे आर स्ट्रेस बस्टर, वो हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं लेकिन जब वो बीमार होते हैं उनको देखने के लिए कोई नहीं आता, वो वहीं दे डाई साइलेंटली। जब एनिमल बीमार होते हैं तो वो छुप जाते हैं, झाड़ियों में चले जाते हैं, वहीं जाके वो अपना लास्ट जो प्राण दे देते हैं। लेकिन अगर उसका कोई ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ वो ऐसे डॉग्स को हमारे पास लेके आते हैं, इसके लिए हमने एक एनजीओ खोला है जिसका नाम है पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, जो रिकॉग्नाइज्ड है विद एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और आरएसपीसीए लंदन के साथ है। और हमारा एक बहुत छोटा सा शेल्टर है जो कि अभी रेंट पे है क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ फंड, लेकिन हमारे दिल में बहुत ऐसी इच्छा है कि हम एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड एक सेगमेंट और एक हॉस्पिटल हो जिसमें हम लोग इन लोग डॉग्स को भी एडमिट कर सकें, और क्योंकि इनको सड़क पे रख के ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इनको भी एक इंडोर फैसिलिटी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने एक हमारा मिशन है टू ओपन वन स्मॉल हॉस्पिटल फॉर ऑल ऑफ देम। एंड राइट नाउ जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एबीसी प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें एनिमल बर्थ कंट्रोल विद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो उसमें हम लोगों के पास एम्बुलेंसेज हैं, वो हम हर कॉलोनी वाइज जाते हैं, डॉग्स को लाते हैं, उनको ऑपरेशन करके एंटी रेबीज वैक्सीनेशन देने के बाद फिर उसी टेरिटरी में छोड़ देते हैं, जस्ट ए स्टेप टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। और जितना इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो ये इनका भी सफरिंग भी कम होगा और ये अनवांटेड भी नहीं रहेंगे। डॉक्टर शर्मा, कहते हैं कि डॉग्स स्पेशली हम घर में ज्यादातर डॉग्स ही रखते हैं या पेट्स कह लीजिए, कैट्स भी रखते हैं लोग, तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है और ह्यूमंस के लिए एक बहुत अच्छा कंपेनियन भी है। तो मेरे घर पर भी एक पेट है एंड आई आल्सो एंजॉय दैट वंडरफुल फीलिंग। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जिसके पास पेट नहीं है वो शायद इस बात को समझ नहीं पाएगा। जो डीओजी हम बोलते हैं डॉग है, लेकिन इस अदर साइड ऑफ द गॉड जीओडी गॉड भी होता है, डीओजी डॉग भी होता है। एंड उसके साथ अगर आपकी इमोशंस एक बार मिक्स हो जाते हैं, इफ़ यू अंडरस्टैंड योर एनिमल, तो मुझे लगता है आप उसकी भाषा में उसको समझ सकते हो और आपकी कोई भी लैंग्वेज हो वो आपकी हर लैंग्वेज, हर मोशन, हर जेस्चर को वो समझ पाता है। तो ये एक लैकिंग है इंसान में भी, जब दे डोंट अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइंस तो वो हमेशा बचपन ही रहता है। तो इंसान को भी हमेशा बचपन में ही रहना चाहिए, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा होने से आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो वो बच्चे रहते हैं। आप मेरे साथ एग्री करेंगे, जब आप जाते हैं घर तो आप सारा दिन का बर्डन, जब वो इमीडिएटली घर के बाहर टेल हिलाता हुआ आपके पैर चूमता है तो मुझे लगता है उससे ज्यादा फीलिंग शायद हमारे जो बच्चे नहीं दे पाएंगे, कोई मोबाइल पे लगा है, कोई अपने वो मिलने तक नहीं आते। ये आपको भी, हर इंसान को भी अंदर से पता है, पर जो एनिमल आपका स्ट्रेस बस्ट करेगा उस टाइम पे आप एक सेकेंड के लिए सब भूल जाओगे कि आपका ऑफिस में कितने आपने टाइम गुजारा, कितना आपको स्ट्रेस था। फिर उसके साथ आप पैट करेंगे तो दैट इज लोअर योर ब्लड प्रेशर, ये तो पेपर्स हैं, इसके ऊपर स्टडीज हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक एनिमल का होने से घर का माहौल इतना चेंज हो जाता है, एक लाइफ, एक एक्स्ट्रा लाइफ हो जाती है घर के अंदर। करेक्ट। कोविड के टाइम अक्सर हम लोगों ने देखा वी ह्यूमंस सॉ लोनलीनेस वेरी क्लोजली, और उस टाइम पे
पेट्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया. आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल गेट पेट्स इन द हाउस ड्यूरिंग कोविड. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये 2 साल का जो लॉकडाउन था इस टाइम हम लोग वेटनेरियन जो एक हेल्थ सेगमेंट में आते थे, तो हमारे हॉस्पिटल सारे अलाउड थे विद फॉर द गवर्नमेंट टू ओपन. और उस टाइम पे हमने खुद फील किया कि हमारा जो फुटफॉल है वो 50-60% ज़्यादा हो गया है. तो जो इंसान को टाइम ही नहीं मिलता था अपने पेट के लिए, जब वो थोड़ा सा भी लाइक बीमार है या खाना नहीं खा रहा 3 दिन से, तो वो 3 दिन बाद आता था. अब उस टाइम पे आने लगा जब बोला 2-3 घंटे हो गए ये खुजली कर रहा है, तो वो उतना क्लोजली ऑब्जर्व किया और इतना क्लोजली उसने कनेक्ट किया अपने पेट के साथ. वो वी कैन जस्ट मेक आउट कि वो कितना ज़रूरी है इंसान के लिए. और आइसोलेशन में सब लोग रहते थे, बहुत से लोगों ने नए नए डॉग अडॉप्ट किए, तो अडॉप्शन के बाद उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया. उन खुद लोग बताते हैं कि उनको खुद ही नहीं पता लगा कि कब 2 साल निकल गए, कि जब उन्होंने लिया था वो 40 डेज का था, अब 2 साल का है. तो वो 2-3 बार हमारे पास आ चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए, कभी डीवर्मिंग के लिए. मीन दे आर सो कंसर्न. और उस इंसान को हमने बदलते हुए देखा है, जो कि जिसके पास टाइम नहीं था एक ऐसे डॉग के लिए, वो खुद गोदी में उठा उठा के ला रहे हैं हमारे पास. सो दैट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दे आर सो स्ट्रेस बस्टर एंड लोनलीनेस आपका इतना कम करता है. हमारे तो शास्त्रों में लिखा है कि डॉग एक जिस घर के अंदर है वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज लेता रहता है एंड दैट गिव्स टू द अर्थ. और इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, बाहर भी है, दे कन्फर्म्ड दैट. तो जिस घर में डॉग नहीं है उस घर में और जिस घर में है, आप दोनों को मिला के देखिए, उस ह्यूमन के उस फैमिली के दोस्त ज़्यादा होंगे, वो कंपेटेबल ज़्यादा होंगे, वो लड़ाई कम करेंगे लोगों के साथ, वो हर चीज़ को ग्रैस्प करना नहीं चाहेंगे. जो अगर आप स्टैटिस्टिक देखें, ऐसी फैमिली जिनके पास पेट है और जिनके पास नहीं है उसमें बहुत डिफरेंस है. और फैमिलीज दे आर मोर हैप्पी, दे लिव लॉन्गर, दे हैव लेस डिजीजेस, और उनको शायद डाइटिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने डॉग को दिन में 3 या 4 बार लेके जाना है, वो कंपल्सरी आपकी वॉक करता है. तो उस डॉग को देखते जब दिन में 2 ही बार वो खाता है, शायद इंसान भी उससे थोड़ा शर्माने के 2 ही बार खाता है. तो एक तरह का वो इस एजुकेटिंग यू पीपल आल्सो और टू द पेट पेरेंट्स आल्सो के कितना जरूरी है टू हेल्थ अपना मेंटेन करके रखना. और कोरोना के टाइम पे लोगों ने समझा कि अपना आपको अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप कैसे करना है, आपका हेल्थ, जिसके बारे में वो अपने लिए नहीं सोचता था. वर्ल्ड में वो पैसा कमाने के लिए जाते हैं या अपना बाहर का काम करते हैं, लेकिन अंदर का अपने उन्होंने काम नहीं किया. दे ऐसा भी हुआ, बहुत लोगों ने अपने आप को समझा एंड उन्होंने ये सोचा कि आपको ज़िंदगी में चाहिए ही कुछ नहीं है. लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया हमें, यू नीड वेरी स्मॉल थिंग्स बट मोर टाइम फॉर योर सेल्फ एंड मोर टाइम फॉर योर चिल्ड्रंस एंड फॉर योर पेट्स. करेक्ट डॉक्टर शर्मा, जैसा आपने बताया कि पेट्स हमारा स्ट्रेस कंज्यूम करते हैं और उसको अब्सॉर्ब करके अर्थ में ट्रांसफर कर देते हैं, या तो ऐसा भी मैंने सुना है कि कई पेट एनिमल्स हमारा फ्यूचर, हमारे कोई प्रॉब्लम अगर होने वाली है तो दे गेट द इंडिकेशन. जैसे कभी हमें कोई हेल्थ कंसर्न होने वाला है उन्हें पहले ही पता चल जाता है. इज इट ट्रू? नहीं, आप सच कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी रिसर्च है और ऑथेंटिक पेपर्स भी हैं कि हमारे यहाँ अभी ऐसा, आर कंट्रीज अ डेवलपिंग कंट्री, हमें इतना रिसर्च नहीं हुआ, लेकिन बाहर कंट्रीज में इतना रिसर्च हो रहा है. दे आर डेवलपिंग थेरेपी डॉग्स, क्योंकि एक डॉग ही ऐसा है जो कि सिर्फ इंसान के फेरोमोन से आपको समझ पाता है. तो इस वो आपको रिकॉग्नाइज कैसे करता है? आपकी स्मेल से. इन ऑल्फैक्टरी सेल्स जिनके होते हैं, जिससे सेंस ऑफ स्मेल जो 86 सेंस, वो बहुत स्ट्रांग होती है एनिमल की, स्पेशली डॉग्स की. और इसीलिए डॉग एक माना गया है कि आपके घर के अंदर रहेगा तो आपकी डिजीजेस कम होंगी. और जो थेरेपी डॉग्स डेवलप हो रहे हैं, वो जैसे इंसान बीमार होता है तो उसके जो एरा है, उसके जो फेरोमोन्स हैं, वो डिफरेंट स्मेल होती है. और जो डॉग हमारे हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे डॉग ट्रेन किए गए हैं कि जो जैसे एपिलेप्सी है किसी ह्यूमंस को, तो वो डॉग उसके साथ रखते हैं. जैसे एपिलेप्सी सीजर आने लगते हैं तो इंसान को नहीं पता लगता, लेकिन आपको वो आधे घंटा या 40 मिनट्स पहले ही बता देगा, बिकॉज आपकी बॉडी से वो हार्मोन, जो फेरोमोन्स हैं, वो रिलीज होने शुरू हो गए. आपके पेट ने उसको डिटेक्ट किया, आपको वो बार्क करके अलार्म कर देगा. इफ़ यू अंडरस्टैंड योर डॉग, तो इमीडिएटली आप जाके एपिलेप्सी की मेडिसिन खा लेंगे. तो ऐसे जिनके पास कोई हेल्प नहीं है,
हैं तो उनको ऐसे थेरेपी डॉग्स प्रोवाइड करते हैं, वो ऐसे पेशेंट्स को जैसे कार्डियक अरेस्ट किसी को होने लगता है तो उसके डिफरेंट कलर डिफरेंट फेरोमोन्स निकलते हैं, तो वो डॉग स्मेल करके ई कैन टेल यू दैट यू आर गोइंग टू गेट द कार्डियक अरेस्ट, तो वो आप पहले मेडिसिन खा लें। ऐसी बहुत सी लाइफ सेव हुई हैं बिकॉज ऑफ आर दीज लिटिल क्रिएचर्स। ओके हाउ वंडरफुल डॉक्टर साहब, जब हम इतना टाइम अपने पेट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं और इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो वी गेट सो इमोशनली कनेक्टेड, तो एक टाइम के बाद कई लोगों को इस चीज़ का डर भी होता है व्हेन वी लूज देम बिकॉज देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, तो उसके बाद आई मीन इट बिकम्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग ऑल्सो फॉर सम पीपल, और कई लोग एक पेट होने के बाद दूसरा पेट लेना ही नहीं चाहते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू दैट पेन एंड सफरिंग अगेन। और आपके पास सिंस यू आर अ वेटनरी डॉक्टर डेफिनेटली यू नॉट जस्ट कनेक्टेड विद द पेट्स, आप पेट लवर्स को या पेट पेरेंट्स को भी तो आप उनके साथ भी तो फैमिली के साथ कनेक्टेड होते हो, तो आप उन लोगों को किस तरीके से हैंडल करते हो ऐसे टाइम में? देखिए अनफॉर्चुनेटली ये भगवान ने बनाया ऐसा है कि ये इनकी लाइफ स्पैन 13, 14, 15 ईयर्स होता है, तो वो इंसान जो इतना ट्यून्ड अप उसका अपना लाइफस्टाइल इतना ट्यून्ड अप हो जाता है विद देयर पेट कि वो जब सडनली दे लूज देम तो वो एक शॉक तो रहता है लूजिंग योर फैमिली मेंबर, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली ह्यूमंस दे नीड एनी साइकोलॉजिकल हेल्प, और हम लोग तो ये गाइड करते हैं कभी ऐसा हो जहाँ तो आपको लगे आपका डॉग अब ओल्ड होता जा रहा है, थोड़ा एक्टिविटी कम हो गया, जो पहले से छलांग मार के आपके बेड पे चढ़ जाता था अब नहीं चढ़ पा रहा, उठने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, दैट मीन ही इज़ हैविंग आर्थराइटिक कंडीशन, तो दिस इज द टाइम व्हेन ही नीड्स यू। उस टाइम पे अगर आप केयरफुल पेट पेरेंट हैं तो इमिडिएटली आप ऑब्जर्व किया आपने कि आप मेरा डॉग ऊपर नहीं जा रहा, चलने में उतना मुश्किल हो रहा है, वॉक जहां वो 3-4 किलोमीटर चलता था वो 1 किलोमीटर के बाद आपको वापस खींच रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद हिम, तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं इफ़ यू लव योर पेट तो आप इमिडिएटली हमारे पास आएँ, और हमारे पास आएंगे तो ऑब्वियसली उसका एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है, जो भी डॉक्टर अपने हिसाब से करेगा, तो आप उस टाइम पे अगर करेंगे तो यू कैन डिले दिस काइंड ऑफ ऑनसेट, और ओबियसली ओल्ड एज जब होती है तो इंसान की तरह ही है, ये हम लोगों को बचपन से बुढ़ापे तक बहुत कुछ सिखा जाते हैं 14 साल में या 13 साल में, तो यू अंडरस्टैंड जब बचपन में भी लाइक बच्चे दे नीड मोर अटेंशन, ओल्ड एज में भी ओबियसली नीड मोर अटेंशन, थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं, आप लोग ऑफिस जाते हैं ये चिल्लाते हैं, पर उस टाइम आप कोई टीवी या रेडियो ऑन करके चले जाएँ साइकोलॉजिकली दे थिंक समबडी इज देयर, इनसिक्योर नहीं फील करते हैं, तो दैट टाइम वी हैव टू गिव सम लाइक साइकेट्रिक मेडिकेशंस एंड ऑल देर आर अवेलेबल, तो बट जितना आप कम्युनिकेट जितना इंटू आप अपने डॉग के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उतना वो भी कंफर्टेबल रहता है इस एज पे। और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ जब आपको लगे ऐसा कि आपका जो पेट है थोड़ा सा ओल्ड हो रहा है उसी टाइम एक पेट और रख लीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे एक तो वो आप देखेंगे उसके अंदर चेंज बहुत हो जाएगी, ही विल बिकम मोर एनर्जेटिक, वो ही मोर विलिंग टू प्ले विद द डॉग, मोर लाइफ, तो उसका भी 1-2 साल और एक्सटेंड हो जाता है एंड दे कम्युनिकेट बेटर विद देयर ओन फेलो, तो अदरवाइज जैसे ही आप यू लूज योर पेट डोंट अपने उसमें सदमे में आप नहीं जाएं, बी ब्रेव, और हम लोगों के अपने ह्यूमंस भी चले जाते हैं, बट उस टाइम पे आप इमिडिएटली एक पेट ज़रूर ले आएं, ऐसा नहीं सोचें कि अब तो मैंने पेट रखना नहीं है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो आज उसका पेट चले गया अब वो सारे फैमिली रोती है बोलते अब पेट तो रखना ही नहीं हमने कभी भी, लेकिन 3-4 दिन बाद नया पेट लेके आ जाते हैं, इसमें 80-90% लोग ऐसे हैं बिकॉज पेट पेरेंट कभी रह ही नहीं सकता डॉग के बिना। तो डॉक्टर शर्मा आपकी बातों से मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स अब पेट लेने की सोच रहे होंगे, और कई घरों में बच्चे अक्सर बहुत तंग करते हैं कि हमें पेट चाहिए और पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि कौन सा पेट लेना चाहिए, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये सजेस्ट ये सिलेक्ट करने में हेल्प करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं दे आर थोड़ा डायलेमा रहते हैं कि कैसा रखें, क्योंकि बच्चे फोटो देखते हैं बड़े बड़े डॉग की, जर्मन शेफर्ड, सेंट बर्नार्ड, बिकॉज अगर लड़का है तो उसको बड़ा डॉग चाहिए, लड़की है तो उसको छोटा डॉग चाहिए, मीन लाइक जो छोटे ही रहे गोदी में रहे वो लाइक टॉय डॉग्स होते हैं, बट आपको सिर्फ डिसाइड करना है, एक सबसे पहले आपने डॉक्टर के पास जाएं, थोड़ा अपना शेड्यूल बनाएं, आप कितने टाइम घर में रहते हैं, कितना टाइम आप दे पाएंगे, हाउ मच स्पेस यू हैव, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बाकी जगह तो दिल में होना चाहिए, आपको स्क्वेयर फीट में उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप डॉग कहीं पर भी रखें अगर आपको अच्छा लगता है और इफ़ यू लव एनिमल तो आप
मुझे लगता है ये स्क्वायर फिट भी उसमें काम जब नहीं रहता, लेकिन फिर भी जस्ट कीप इट बैक ऑफ योर माइंड कि अगर आपके पास स्पेस कम है और उतना मूवमेंट नहीं हो सकता तो एक छोटा टॉय डॉग रखें जी। और ज़्यादा स्लिपरी फ्लोर नहीं होना चाहिए आपके घर में, क्योंकि ग्रोइंग पपीज में थोड़ा लाइक कंजनाइटल डिफेक्ट्स आ सकते हैं। और अगर आपके पास गार्डन है, खुली जगह है, टाइम है घुमाने के लिए, तो आप बड़े डॉग रखिए, जैसे ग्रेट डेन है, जर्मन शेफर्ड है, लैब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर्स हैं, दे आर वेरी प्लेफुल डॉग, बट यू कैन कीप देम इन योर स्मॉल एरियाज आल्सो, बट उनके लिए माइंड में जरूर रखें कि यू हैव टू टेक देम आउट रेगुलरली, गिव देम एक्सरसाइज, देन दे आर हैप्पी। और सब जब भी लें, सबसे पहले जब 30-40 डेज के होते हैं तो एक डॉक्टर के पास विजिट जरूर करवा लें, बिकॉज कोई कंजनाइटल डिजीज है, कोई उसको ऐसे अंडरलाइंग कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो एक डॉक्टर एक प्रोफेशनल ही बता सकता है, जो कि बाद में जाके एक फर्स्ट टाइमर के लिए एक बैड फीलिंग नहीं आए कि उसने एक डिजीज डॉग ले लिया है। तो आप पहले डॉक्टर से हेल्थ इश्यू सारे चेक कर लें, फिर वो वैक्सीनेशन शेड्यूल बना के देंगे, उसको आप फॉलो करते रहें, फिर वो सप्लीमेंट्स देंगे वो देते रहें, बट कीप ऑन स्पेंडिंग मोर टाइम विद योर पेट। और ट्रेनिंग, लोग बहुत बोलते हैं कि हमें प्रोफेशनल ट्रेनर चाहिए, लेकिन इन लोगों के लिए ट्रेनर की जरूरत नहीं है, आप ही इनके लिए ट्रेनर हो। आप चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलिए, इंग्लिश बोलिए, तमिल बोलिए, पंजाबी बोलिए, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ये एक बहुत हमारे एक दे आर ऑलराउंडर इन ऑल अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, बट सिर्फ आपको उसकी लैंग्वेज समझना आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जब हम पेट लेकर आते हैं तब हम चेक करें उसको वेट के पास ले जाकर कि उसको कोई कंडीशन नहीं है, हेल्थ कंडीशन उसको कोई नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पर अच्छी तरह से उसका रख रखाव करने के बाद भी समटाइम्स इट हैपेंस, मान लीजिए 5-6 साल ही हुए हैं और डॉग को कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया या कोई ऐसा हेल्थ कंडीशन हो गया कि जिसकी वजह से हम उसको घर में नहीं रख सकते। खासकर पग्स के साथ ही अक्सर पाया जाता है, उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ भी, तो व्हाट आर द सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने बोला घर में नहीं रख सकते, तो ये कंसेप्ट हमारा नहीं है। हम लोग तो, आपने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, अगर वो बीमार है तो उसी टाइम तो आप उनको ज़रूरत है आपकी, उस टाइम पे घर से नहीं निकालें। और अगर वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया तो इसमें आप पेट पेरेंट ही उतना जिम्मेदार होगा उसमें, क्योंकि उसने ठीक टाइम पे उसको अटेंड नहीं किया। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका जो पेट है एबनॉर्मल है, पहले बहुत एक्टिव था, बहुत खेलता था, अब स्किन रोल करने लग गया, कान फ्लैप कर रहा है, उसके पॉज में कोई इन्फेक्शन है, वो बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन, तो आपको अगर कुछ भी अब नॉर्मल लगता है इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो छोटी सी एलिमेंट को भी आप उसी टाइम जस्ट खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केयरलेस हैं और वो इन्फेक्शन बढ़ गया, जैसे आप पग बोलते हैं, पग इज नॉट राइट डॉग फॉर आर क्लाइमेटिक कंडीशंस। हमारे क्या यहाँ गर्मी है और ह्यूमिडिटी थोड़ा ज्यादा रहता है, तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन बहुत होती है हमारे डॉग्स को। एंड पग जो आपने स्पेसिफिकली बोला, वो एक उनको जेनेटिकली दे आर वीकर, बिकॉज एक तो डॉग को पसीना नहीं आता, स्वेटिंग नहीं होती, तो स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, तो एसिडिक नहीं रहता स्किन लाइक आर स्किन, तो इसलिए फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है इनके ऊपर। तो हम तो यही बोलते हैं कि आप जस्ट स्पेंड 5 मिनट्स विद योर पेट अर्ली इन द मॉर्निंग, थोड़ा ब्रश करें, ग्रूमिंग करेंगे, कॉम करेंगे, पहले उल्टा अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द हेयर देन अलोंग द हेयर, 5 मिनट स्पेंड कर लीजिए अपने डॉग के साथ। एक तो आपका रेपुटेशन थोड़ा बेटर होगा आपके डॉग के साथ, कंपेटेबिलिटी बेटर होगी, ही विल स्प्रेड मोर लव टू यू और उसको भी अच्छा लगेगा। प्लस आप उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी देख सकते हैं, कोई टिक है, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई एलर्जी हो रहा है, या कहीं पैचेस में बाल गिर रहे हैं, या कान में कोई उसमें पस है, या आईज में डिस्चार्ज है, विच यू कैन एड्रेस एट द फर्स्ट स्टेज ओनली। तो आप इतना छोटा छोटा करेंगे तो आई थिंक आप भी खुश रहेंगे, आपका पेट तो उससे भी ज्यादा खुश रहेगा, और शायद बड़ी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर शर्मा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और जानने की कोशिश करते हैं कुछ विजुअल्स के साथ। राइट,
डॉक्टर शर्मा, आपके विजुअल्स देखे मैंने और बहुत सारे इक्विपमेंट्स और चीज़ें टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी रखी हैं आपने। लास्ट में आकर ये पॉइंट पे मैं रुक गई हूँ जहाँ आपने क्रिमेशन के लिए बहुत अच्छा सा सेटअप बनाया है। दिस इज़ रियली टचिंग एंड एक्चुअली कमेंडेबल, क्योंकि अक्सर यहाँ पर आकर हम रुक जाते हैं और डॉग्स को कई बार हमें समझ नहीं आता कि व्हाट टू डू, लाइक हाउ टू गिव देम रिस्पेक्ट एंड हाउ टू डिस्पोज द बॉडी। एक्चुअली दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। हम लोगों ने, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हमने सोचा कि ऐसा फैसिलिटी क्यों नहीं हो हमारे पेट, जो पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए। कि क्या होता था कि पहले हमारी डॉग का अभी डेथ हो जाता था तो वो हम लोगों को समझ नहीं आता था कि उसको कहाँ बरी करें। कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसा कोई फ्यूनरल ग्राउंड नहीं है जहाँ हम अपने पेट को बरी कर सकें। तो लोग क्या करते थे, अपने कोई प्राइवेट जगह है वहाँ खड्डा निकाला, दबा देते थे। तो इससे एक तो उसका थोड़ा रिस्पेक्टफुली उसको हम लोग अलविदा नहीं कह पाए, और प्लस जो ह्यूमन पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत टॉक्सिक था वो, जो कारकस जो डिजीज था या ऐसी इन्फेक्शन के साथ वो मरा है, तो उसको अगर हम लोग बरी कर देते थे बहुत से दूसरे डॉग आके उसको निकाल देते थे, क्योंकि इंस्टिंक्ट रहती है एनिमल में। तो वो अगर एक्सपोज हो जाता था तो थोड़ा हेल्थ हैजर्ड था हमारे पब्लिक के लिए भी। तो हम लोगों ने एक क्रेमेटोरियम खोला था आज से 13-14 साल पहले, एंड स्टिल इज वर्किंग इन वेरी फुल फ्लेज फॉर्म। और हम लोगों को अब लग रहा है कि कितना हम लोगों ने, मतलब एक नीड था एक पेट पेरेंट की, उसको लाइक हमने फुलफिल किया है। क्योंकि लोग हमें खुद आके बोलते हैं कि आप, हमने वहाँ पे एक वॉल ऑफ मेमोरीज रखा है जिसमें आपने पेट के साथ एक्सपीरियंस किया था, जो 1 साल 10 साल 5 साल जो आपके साथ रहा। तो वो जो कैप्शंस हैं वो कम से कम 200-300 कैप्शंस हैं, लेकिन आप 5 से ज़्यादा नहीं पढ़ सकोगे, क्योंकि वो इतना इमोशनली लिखा होता है, यू डोंट वॉन्ट टू रीड द 5th one। तो दैट मेक दैट लाइक गिव अस द थिंग कि आप इन लोगों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। और जो वो नेक्स्ट डे हम लोग उनको एशेज देते हैं, बहुत से लोग उसको गंगा में लाइक बहा के आते हैं, बहुत से हरिद्वार जाते हैं, हमें सुबह सुबह फ़ोन करते हैं, हम 6 बजे निकलेंगे, इतने बजे मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें देख के हमें इतना खुद ही फील लगता अच्छा हो रहा है कि दिस इज़ द गुड थिंग वी हैव डन, ये भगवान ने हमसे करवाया है। तो एंड ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है लोगों का, जो हमें और एनकरेज करता है इस और अच्छे से अच्छा और कुछ काम करने के लिए। वेरी नाइस डॉक्टर शर्मा, आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है जो आप हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए ना, वहाँ पर आप क्या क्या फैसिलिटीज रखना चाह रहे हैं। देखिए, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग ने काम करना भी शुरू कर दिया है। उसमें हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो होमलेस डॉग्स हैं उनको भी इंडोर फैसिलिटी मिले, ना कि हम लोग सड़कों में जाके उनका ट्रीटमेंट करें। अगर कोई एनिमल लवर है जो घर के बाहर 20-25 एनिमल्स को फीड करता है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो अगर वो ऐसे कमर्शियल हब में ले जाते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनको सिटी स्कैन चाहिए, उनका एक्सरे चाहिए, उनको इंडोर फैसिलिटी चाहिए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ओबियसली उनकी रनिंग कॉस्ट है तो वो चार्ज ज़्यादा करते हैं, तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो एनिमल लवर फिर उसको वहीं छोड़ देता है, वो दे डाई साइलेंटली। तो वो एक वेरी क्रूअल एक्ट ऑफ ह्यूमन। तो हम चाहते हैं एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें ये डॉग भी हमारे पास आए, इनको भी वही क्वालिटी केयर मिले जो एक नॉर्मल पेट जो डोमेस्टिकेटेड है उसको मिलता है। उनका भी सीटी स्कैन होना चाहिए, उनका भी एक्सरे होना चाहिए, उनको भी इंडोर फैसिलिटी मिलना चाहिए। जब वो ठीक हो जाए उनको फिर उसी टेरिटरी में दोबारा छोड़े। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक भी हमारे साथ जुड़े, और ऐसे करने से हम लोग अपने जो सराउंडिंग जो होमलेस एनिमल्स हैं उनको हेल्दी बना सकें, कंपेटेबल बना सकें, उनका अग्रेशन कम कर सकें, और इंसान को इतना सेंसिटाइज कर पाएँ कि वो उसको अपने कॉलोनी में एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि बहुत सी RWA ऐसी हैं जो बड़े बड़े नोटिस लगा देते हैं कि डॉग्स यहाँ अलाउ नहीं है, गंद डालते हैं, लेकिन आप क्लोजली देखेंगे तो इंसान जितना गंद डालता है उतना शायद हम एनिमल का शिट नहीं मिलेगा जितना इंसान का मिलता है। तो इसलिए उन लोगों को सेंसिटाइज करना भी हमारा काम है कि दिस प्लैनेट बिलोंग्स टू देम ऑल्सो। वो भगवान ने अगर पैदा किया है तो ये अर्थ उनका भी है, उनको भी उतनी जिम्मेवारी है, लेकिन हम उनको एक वैक्सीनेटेड इन्फेक्शन फ्री कंपेटेबल बना के उस सोसाइटी में रखें जो कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे 100 गुना अच्छा काम करेंगे,
और ये बहुत से जो समझदार लोग हैं वो मानते भी हैं, पर बहुत से ऐसे पढ़े लिखे इंसान जो समझ नहीं पाते इनकी आईक्यू को, वो हर इंसान को लगता है कि डॉग मीन रेबीज, वो उसका ये डर निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि रेबीज के साथ कोई डॉग पैदा नहीं होता, ये एक डिजीज़ है। अगर ये वाइल्ड से आती है, वायरल इन्फेक्शन है, अगर ये किसी को काटता है उसके सलाइवा में वो वायरस होता है, अगर रेबीज उसको है तभी वो दूसरे को रेबीज करेगा, अदरवाइज हर डॉग बाइट एक रेबीज नहीं होती। तो इंसान को ये बताना पड़ेगा कि रेबीज डॉग जो होता है वे कभी भी जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज या जहाँ पब्लिक है वहाँ नहीं रहता, वो पागल होने के बाद वो जंगल में निकल जाता है, ज़्यादा वो उस पब्लिक में मिलता नहीं, बिकॉज दे हिमसेल्फ गेट वेरी स्केयर्ड। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कोई डॉग बहुत अग्रेसिव हो रहा है या इधर उधर भाग रहा है, तो आप डरे नहीं, उसको मारे नहीं, आसपास कोई एनजीओ है उनको फ़ोन कर दें, हो सकता है वो प्यासा हो या उसको कोई दूसरे डॉग काट रहे हों। तो लोगों को सिर्फ डॉग का मतलब रेबीज है, ये कंसेप्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर हम लोग वी आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि कोरोना के बाद अब लोगों को जेनेटिकल डिजीज़ भी पता लगने लग गई जो एनिमल से इंसान को होती है, पर ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं जो एक नॉर्मल डॉग से भी इंसान को हो सकती है, पर उनको पता तो होना चाहिए। जैसे कुछ स्किन डिजीज हैं, लेप्टोस्पायरा है, वायरल इन्फेक्शन हैं, सिर्फ एक कोरोना जो है वो डॉग वाला कोरोना जो है वो इंसान को नहीं होता, तो ये कंसेप्ट था। बहुत से लोगों को लगा अब कोरोना वायरल आ गया है तो एनिमल से आया, जैसे चाइना में था कंसेप्ट, तो लोगों ने अपने डॉग छोड़ दिए घर सड़कों पे, तो बहुत से एनिमल लवर्स लेके हमारे शेल्टर में आए, पर फिर हमने उनको समझाया कि वो जो दिस इज़ अ डिफरेंट स्पीसीज, इसमें जो वायरस जो म्यूटेट होके आया वो ह्यूमन को नहीं आता, पर इस इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इंसान जो है बड़ा सेल्फिश है, वो हर चीज़ उसको फ़ायदा होना चाहिए इसलिए वो करता है। तो इसलिए हम लोगों को ये भी बताया कि ऐसी डिजीज़ वो कोरोना डॉग वाला कोरोना उसको नहीं आता, हालांकि कोरोना वायरल के लिए हम लोग उनको पिछले 20 साल से वैक्सीन दे रहे हैं डॉग्स को, हर साल लगता है ये कोरोना वैक्सीन। वो पहले पेट पेरेंट को पता ही नहीं था, वो वैक्सीन लगाने आते थे उनके लिए इंपॉर्टेंट था रेबीज है लग गया हाँ ठीक है, उसके बाद हम डिस्टेंपर पार्वो हेपेटाइटिस इसके वैक्सीन देते थे, कोरोना का देते हैं, कैनल कफ का देते हैं, इसका भी नहीं पता था। अब फोन आता है कि कोरोना का वैक्सीन लगाना है, तो माइंड कितना चेंज हुआ। तो दिस डिजीज और लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और मुझे लगता है अच्छा ही है, लोग दे गेट मोर अवेयर अबाउट द हेल्थ एंड इम्यूनिटी एंड कंटेजियस डिजीजेस। तो आई थिंक ओवरऑल अच्छा है, इसलिए हमारा कंसेप्ट यही था कि एक ऐसा हो जो होलिस्टिक हीलिंग भी हो, उसमें ऐसी जगह हो जहाँ डॉग का अगर बर्थडे है तो दे शुड स्पेंड विद द अदर डॉग्स, दे शुड कम टू द हॉस्पिटल, वहाँ पे हमारे पास पेट्स होंगे, ऐसे होमलेस डॉग्स होंगे जिनके लिए हम अडॉप्शन करवाएंगे, और उनके लिए भी आप उनके साथ आके बर्थडे अपने डॉग का मनाएं और मेडिटेशन करें, फिर ट्रेनिंग ऑफ द डॉग्स, फिर उसको आप उसमें हम लोग हाईएस्ट जितनी क्वालिटी वर्ल्ड में एट पार लाने की कोशिश करेंगे, जैसे सीटी स्कैन है, कार्डिक सर्जरी है, जो थोरेसिक सर्जरीज है जो बाहर होती हैं, कैटरेक्ट सर्जरी है, उन सबको हम लोग इम्प्लीमेंट यहाँ करने वाले हैं, जिसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, एंड ओबियसली वी नीड हेल्प ऑफ ऑल एनिमल लवर्स और टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी। जी जी, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने दी डॉक्टर शर्मा, और टाइम भी जा रहा है, तो जाने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को एक हेल्थ टिप दीजिए, इनफैक्ट आज तो हमारी पेट वेलनेस टिप होगी। देखिए मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि ईच वन कीप वन, और और एक किसी भी बर्तन में पानी अपने घर के बाहर जरूर रख दीजिए, और एक बर्तन पानी का भर के एक छत पे जरूर रख दीजिए, बिकॉज पानी की कमी हो रही है, हमारे जो होमलेस डॉग्स हैं उनके लिए आप थोड़ा एक कटोरी में पानी बाहर रख देंगे तो यू विल डू वंडर। रियली नाइस। तो व्यूअर्स, डॉक्टर आरटी शर्मा से आज मैंने आपको मिलवाया, इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे मिल भी सकते हैं, इनका एड्रेस भी है यहाँ पर। तो जाने से पहले डॉक्टर मीनूज टिप, अक्सर घरों में देखा जाता है बच्चे बहुत ज़िद करते हैं कि हमें एक डॉग चाहिए, पेट चाहिए, और हम पेरेंट्स उनको मना करते हैं ये सोचकर कि कौन संभालेगा, कौन देखेगा उनको, और बच्चे हमेशा प्रॉमिस करते हैं कि हम करेंगे हम करेंगे, बट ट्रस्ट मी दे विल नेवर डू एनीथिंग। लेकिन फिर भी पेट ज़रूर लाइए घर पर, इट एक्चुअली एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। थैंक यू।